क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये नजारा। ऐसे में कहां क्या कोई नहीं भूले से जो हम को याद करे, एक हलसी सी मुस्कान पे जो सपनों का जहां आबाद करे। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी ये मस्त नजारे, टूटा धीरे धीरे ओ चांद प्यारा प्यारा। इथलाती हवा नीलों सगन कलियों पे ये बेहोशी की नमी, ला रा 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 रा। ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में ना जाने क्या है कभी। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त नजारे, टूटा धीरे धीरे ओ चांद प्यारा प्यारा। Because due to a little coordination, because very very good players, very very good players, they are playing well, but some songs they don't know, all right, so they don't have a proper, you know, concentration with that. Ustad ji, ab zara qawwali ho jaye. Haan ji, the last item. Aur kitna time hai? Aap kahan se bol rahi hain? Please, time kitna hai? जो जो फंक्शन खत्म हो रहा है ना, पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ से बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब आते हैं तो वो एक इशारा करते हैं, you know? तो फिर मैं पूछता हूँ कि आपका माइक चल रहा है, सो डॉक्टर साहब कहते हैं यस, तो अब मुझे आवाज़ आती है, तो मैं तो किसी मतलब ऐसे लग रहा है कि ये कहाँ से आवाज़ आई, मैं पता करूँ कौन सी आवाज़ है। हाउ मच टाइम वी हैव जी, तो कि मैं उतना आइटम गाऊंगा, हमारे पास कितना टाइम है? टाइम तो वैसे कब का खत्म हो चुका। सो एक जस्ट वन, पर कवाली, कवाली एंड इज कवाली, दमदार एंडिंग ऑन कवाली। इस आइटम के बाद जी लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, इसके बाद कवाली नहीं होती और कोई गाना वाना नहीं होता। ये कुछ रूल बनाए गए हैं म्यूजिक में, तो इसके बाद मुझे कुछ नहीं कहिएगा क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं होगा। सो विद योर परमिशन मैडम जी, दसों उनकी करा में तुसी मैं दसो मैं की करा प्लीज। नहीं गाई जाओ, अगले फड़े ना जान में पता लगे वो फाड़ हो गए ने। सो मैं जितना टाइम है उतने में गाता हूं जी। हाँ आखिरी होगा वो।
सो जी लास्ट आइटम नहीं देख से रमेश भाई कैन रो लास्ट आइटम कंटिन्यू वाह वाह यानी मैं बीमार भेजना चाहता मैंने बीमार भेजना चाहते हो पाकिस्तान दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं दुनिया किसी के प्यार भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े पलकें उठा के देखो तो गलियां भी हंस पड़े खुशबू तुम्हारे हुस्न की फूलों से कम नहीं दुनिया किसी के प्यार काबले गौर शेर तुम बादशाह हुस्न हो हुस्न जहान हो तुम बादशाह हुस्न हो हुस्न जहान हो जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं दुनिया किसी के प्यार जन्नत से कम नहीं एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं अल्लाहु अल्लाहु जी अल्लाहू
घरे जाके करांगे। आपको जो कहना है कटहरे में आके कहिए। हम सिविलियन की बात नहीं सुनते, प्लीज। अच्छा, वी हैव 10 मिनट्स, 10, 5, ओके, इधर लास्ट आइटम, ओके। लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, सिदड़ी दा सेवन दा शोबाज कलंदर, दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमा दम सिंधड़ी दा सेवन दा शोबाद कलंदर, दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, हो लाल मेरी हो लाल मेरी, उछड़ा रौदा पीरा तेरा, उछड़ा रौदा पीरा तेरा, हेठ बगे दरियाओ बला झूले लालन, हेठ बगे दरियाओ बला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवन दा शोबाद कलंदर, मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमा दम मस्त कलंदर, दमा दम कलंदर मस्त कलंदर, 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 मावानू पीरा पछड़े देना, मावानू पीरा पछड़े देना, पैणा नू देना है पीर मिला झूले लालन, पैणा नू देना है पीर मिला झूले लालन, सिदड़ी दा सेवन दा शोबाद कलंदर, दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमा दम मस्त कलंदर, कलंदर 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 मस्त। वाओ, आफ्टर दैट वंडरफुल साउंड्स एंड रिदम्स, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द इवनिंग, बट वी'd लाइक यू टू स्टे अ लिटिल बिट मोर, because we'd like to ask you to join us to honor the artists.
We hope that you have had an excellent time listening to the Ustad Ji and his accompanies. Please give us another loud, just like you were doing just now. Well done. Now we invite Sushmita and Mr. Ramesh to honor the artists. You go there. So can you give the place? Ladies and gentlemen, my friend Ramesh and Sushmi will now honor Ustad Nadeem Selamat in the usual way. The usual traditional way. Now, Ustad Haider Selamat. Mr. Hemendra Shah. Mr. Sunil. Mr. Sivam. Mr. Bullet. And of course, Mr. Alvin. Thank you very much. Now, Mr. Ramesh, would you please like to give the vote of thanks? Thank you. Ladies and gentlemen, distinguished guests, boys and girls, thank you for staying till the end of the night. First of all, when my other half broached this idea to me, about 3 months ago, like all good supporting husbands, I said flatly no. Followed by, you must be mad. But of course, like all good and persistent wives, she never gave up. Tonight, ladies and gentlemen, is the culmination of her vision, her idea, Aman, the concert. Now, what is a show without its performance? I think we've run out of superlatives for Ustad Nadeem Shah. Nadeem Selamat. Khan. Yes? He keeps telling me that people pronounce his name in different ways, so. But if I may borrow a phrase from my 14-year-old son, Ustad Nadeem Selamat simply rocks. His principal disciple, Haider Ali. For those of you who are familiar with Indian history, that's the name of a very famous monarch and king. It's a budding king in music. To our percussionists on the tabla, that is Hermanjit. Hermanjit? Okay, I'm not very good at names, but Hermanjit. I'm sorry, the sound was not very good at the start, but it certainly ended well. Mr. Sivam on the Western drums, that's the tall gentleman at the end.
Mr. Sunil on the Dolak. Mr. Alvin on the bass guitar. And of course, last but not least, Bullet. Ladies and gentlemen, a big round of applause for our performers tonight. Now, I would be most remiss if I did not thank our two lovely co-hosts. Mrs. Madhavi Murali, who is a South Indian Brahmin but hails from Delhi, so she speaks Pakka Hindi. And Dr. Arun Dadabag, who is a doctor and has spent, in fact, some of his time in Pakistan with Mercy Malaysia. A big round of applause for our MCs, folks. Yeah, my wife is telling me she wants to say thank you. But tonight would not have been possible but for the generosity of the two sponsors, something of a family affair. One being Surfer Coats, Bangalore Limited, father-in-law and mother-in-law. And the other being the firm that I work for. Note that I'm a principal partner there, but I work for it. Okay. Thank you. Thank you so much for being there for me in this celebration of joy, which is a huge blessing for me that I had this wonderful collaboration with Ustad Nadeem Saab. It's indeed a blessing. And I would love to thank all the lovely people present here tonight. And thank you very much. And I would especially love to thank my family, my parents, Mr. and Mrs. Hugh Yashodhar, for being there for me. I'm telling you, don't faint. And my husband, Ramesh, for being there for me. And my lovely mother-in-law, Ms. Chandra over there, and my hero, my Jan, Dhruv, my wonderful son. And thank you, Arun Dada, Madhvi Murli. Madhvi, thank you for being there for me. And thank you so much, the team, the entire team. You guys rock, absolutely. Thank you very much. Very quickly, folks, I know it's nearly 12. Quick thanks to Siva and Kamala for the publishing, and to Mars Academy for the facilities tonight, Auntie Jaya and all the ushers and usherettes who happily led you to your seats, and Lakita. Right. Now, okay, you can see how involved I was in this. And Shushmi says hi to all her best friends, including Shaili, who's sitting right in front there. Okay, last but not least, a show is not complete without its audience. To you, each and every one of you, we applaud you for having been here tonight. Thank you for being with us. And this is only the curtain raiser. In about 6 months or thereabouts, we hope to have something similar in Bangalore, India, which will be the launch of her CD and her book of Urdu poetry. See you in Bangalore. Good night. God bless.